ये राधा स्वामी पंथ जिसने लगभग 10-12 करोड़ व्यक्तियों को उपदेश दीक्षा दे रखी है, इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन है? श्री शिवजाल जी सेठ आगरा के रहने वाले थे, पन्नी गली वाले, और श्री शिवजाल जी के सेस हुए हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास नदी के किनारे पंजाब के अंदर एक आश्रम की स्थापना की। श्री जयमल सिंह जी के सेस हुए हैं श्री सावण सिंह जी, जो उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। श्री सावण सिंह जी के सेस हुए हैं श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना सच्चा सौदा सिरसा वाले। तो सच्चा सौदा सिरसा में बेगू रोड के ऊपर श्री खेमा मल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी शाह मस्ताना ने डेरा स्थापित किया, और उससे फिर जगमाल वाली एक ब्रांच बन गई। हिसार में गंगवा शहर है, इसमें भी, इसके आसपास गांव में भी उसी के एक ब्रांच है। फिर जय गुरुदेव पंथ मथुरा के अंदर, वही आगरा से शिवजाल जी वाला ही जल है। एक बिहानी दनौद के अंदर हरियाणा के अंदर एक ताराचंद जी ने जो राधा स्वामी पंथ बनाया वो भी उसी की ब्रांच है। और फिर दिल्ली के अंदर एक सावन कृपाल मिशन है, वो भी उन्हीं की ब्रांच है। तो कहने का दास का भाव है, ये ठाकुर सिंह था वो भी इन्हीं का, कहने का भाव ये है कि इस शिवजाल जी के ज्ञान के आधार से, उन्हीं 5 नामों के आधार से ये सभी साधना कर रहे हैं। और सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने उनको टोका कि भी तुम 5 नाम काल के हैं, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सत नाम ये, और तुम बात करो सतलोक की। तो उन्होंने चतुरता दिखा दी, नाम बदल लिए अपने आप, उसके हेड ऑफिस से तो चल रहे हैं 5 नाम, इन खुद अपने नारे धर लिए अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। अरे इस अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष को तो हमने पाना है, सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सबद स्वरूपी राम कहो, ये सतपुरुष के उपमात्मक नाम है, जैसे जल कहो नीर कहो चाहे पानी कहो। अब उस जल नीर पानी को तो हमने पाना है, जल नीर पानी जल नीर पानी जल नीर पानी करता रहे सारा जीवन, क्या प्राप्ति होगी? अब जल कहाँ है पृथ्वी में, वो जल प्राप्त कैसे हो? हैंडपंप लगाना पड़ेगा जब वो जल नीर पानी पाएगा। जल नीर पानी कहने से नहीं मिलेगा, उसके पाने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को अपनावें, बोकी मारें, पाइप लावें, हैंडपंप लगावें, जब वो जल पानी नीर जब मिल लेगा। तो ऐसे ये सतनाम का 2 अक्षर का जो मंत्र है ये बोकी का काम करेगा, श्वास उस श्वास से सिमरन करना है। और जब इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, जैसे बोकी लगाते हैं मिट्टी बाहर फेंकते हैं, फिर बोकी मारते हैं मिट्टी बाहर फेंकते हैं और पाइप को नीचे डालते रहते हैं, जब पानी के ऊपर पहुंच जाता है पाइप का निचला सिरा, तो उसके बाद उस बोकी का फंक्शन खत्म हो गया, पाइप लोअर हो गया और बोकी ने अपना काम कर दिया। यानी सतनाम का जो काम है वो समझ लो इस बोकी जितना है, सतनाम का जो श्वास वो श्वास से सिमरन करेंगे। और बोकी मार के पाइप भी डाल दी, पानी के पास पहुंच गया एंड उसका निचला सिरा पाइप का, लेकिन एंड पंप नहीं लगा ऊपर तो भी यूजलेस है। तो सतनाम और फिर ये सारनाम हैंडपंप समझ लो, ऊपर की मशीन, और सतनाम के बिना वह मशीन यूजलेस और उस मशीन बिना वह सतनाम यूजलेस यानी पाइप यूजलेस। तो इनका कम्बिनेशन है, जिनको सतनाम मिल गया और सारनाम नहीं मिला तो भी वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कारण से वैसे तो इस नाम से जुड़ने के बाद अकाल मृत्यु जीव की नहीं हो सकती, किसी कारण से नाम खंडन हो जाने से काल का दाव लग भी जाता है तो मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा, अब ये गारंटीड बात समझ लेना। और 10वें महीने फिर आ लेगा आश्रम में अपनी माँ की गोद में, और फिर नए सिरे तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों वर्षों तक ये मार्ग यथार्थ चलेगा, ये सब नकली पंथ अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान समाज इतना माइंडेड बच्चे हैं, छोटे छोटे अंग्रेजी सीख ले हम तो 6ठी कक्षा में पढ़ने लग गए होते, तो अब जैसे बुद्धिमान बच्चे तुरंत समझेंगे, छोड़कर उनको पाखंडियों को आप आ बैठेंगे यहाँ पर।
और हजारों वर्षों तक चलेगा ये मार्ग, हजारों वर्षों तक, और इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में कपार होंगे जैसे नियमित और इस भक्ति को करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे बगैर किसी बाधा के।